नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो है इनकम टैक्स के ऊपर, और इनकम टैक्स में एक मैसेज आ रहा है, डिपार्टमेंट एक मैसेज सबको भेज रहा है, जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर इस मैसेज का क्या करना है, क्यों भेजा गया है ये मैसेज, इसका क्या आउटकम है, क्या सिग्निफिकेंस है। आज हम उसी के ऊपर सारी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको पता लगे कि इस पर क्या एक्शन लेना है और ये मैसेज क्यों भेजा गया, ये मेल क्यों आया। हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो ज़रूर से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहा करें। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का आपको एक मैसेज आ रहा है जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपके पैन पर नोटिफाई हुए हैं, जो आपके पैन पर आए हैं, और वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है, और ये आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये चीज़ आपको एक मैसेज बताता है। जो ये मेल आ रही है वो आपको इस तरीके की मेल आ रही है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये ई कैंपेन ने ये नोटिस भेजी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक और डिपार्टमेंट है, इंटरनल डिपार्टमेंट है, ई कैंपेन बोलते हैं उसको। उसने आपको बताया है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपके पैन पे रिपोर्ट हुआ है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा एक डिन नंबर भी मिलता है कि क्या चीज़ है वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट करी है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है। यहाँ पर बताया गया है कि वाई आर यू रिसीविंग दिस कम्युनिकेशन, क्यों आपको मिल रहा है ये कम्युनिकेशन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन जो रिसीव करी है फाइनेंशियल ईयर की, वो आपको बताया गया है, और डिटेल भी इसके नीचे दी गई है कि GST टर्नओवर आपका इतने रुपये का है। अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी बता रहा है कि क्या करना है इसके साथ। आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे कहाँ पर, कंप्लायंस पोर्टल के ऊपर इनकम टैक्स में लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स के अंदर एक कंप्लायंस पोर्टल दिया होता है, वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, पेंडिंग एक्शंस टैब के अंदर जाना है, वहाँ पर कंप्लायंस पोर्टल के अंदर जाना है, उसके अंदर आपको ई कैंपेन के अंदर जाना है। अभी हम आपको ये सब करके दिखाएंगे, आप परेशान नहीं होइए, सब आपको दिखा रहे हैं। आपको वहाँ पर जाकर के ये चीज़ देखनी है। नंबर वन, लॉगिन करके देखिए, व्यू इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, वहाँ पर आपको जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स देखनी है कि क्या क्या चीज़ें आपके पैन के ऊपर रिपोर्ट हुई है। और तीसरा क्या है, जो यहाँ पर सजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, पे एडवांस टैक्स, वो कह रही है कि आप अपने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से कैलकुलेट करिए और एडवांस टैक्स का पेमेंट करिए। अगर आप नहीं एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं तो आपको ब्याज वगैरह की लाइबिलिटी आ सकती है। ये तीन चीज़ें बताई गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आप डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसका मतलब कि अगर ये डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है तो आप उसमें रिस्पॉन्स दीजिए, गलत लग रही है तो अभी आप उसको आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, फुल्ली करेक्ट, पार्टली करेक्ट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन किसी और पैन के लिए है, ये इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं है, किसी और पैन की है, या फिर ये इन्फॉर्मेशन किसी और फाइनेंशियल ईयर की है, आप ये भी बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो डुप्लीकेट है, वो दूसरी किसी इन्फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड हो रखी है, और आप ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ये मेरी नहीं है, गलत है, आप इसको इन्फॉर्मेशन को डिनाई भी कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको यहाँ पर ऑप्शन में बताया गया है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ़ यू डू नॉट पे टैक्सेस, ये भी बताया गया है कि आप टैक्स नहीं पे करते हैं तो क्या होता है। भाई, एडवांस टैक्स जो है वो ऑलरेडी आपको, मैंने आपको बताया था, अगर आप नहीं पे करते हैं तो आपके ऊपर 234A, B और C का जो सेक्शंस हैं, इसकी आपके ऊपर एडवांस इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ जाती है। हम चलते हैं अब इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, आपको दिखाते हैं कि आपको ये चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी। तो ये आपका इनकम टैक्स पोर्टल को मैंने लॉगिन कर लिया है, आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस के अंदर, वहाँ पर आपका है कंप्लायंस पोर्टल, और कंप्लायंस पोर्टल में आपको जाना है ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 21-22 एंड ऑनवर्ड्स। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये एक एक्सटर्नल साइट पर लेकर के जाएगा। तो आपका ये AIS पोर्टल खुल गया है जहाँ पर आप ई कैंपेन देख सकते हैं। आपका यहाँ पर पैन नंबर रिपोर्टेड है, असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर आपका 22-23 के लिए रिपोर्ट हो गया है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी सारी यहाँ पर दिख जाएगी, पैन दिखेगा, आधार नंबर दिखेगा, नेम दिख जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपको दिख जाएगी। कुछ और चीज़ें आपको देखनी हो जैसे एड्रेस वगैरह, आपको यहाँ दिखेगा। नीचे है ई कैंपेन लिस्ट, जो मेन चीज़ आपकी है ई कैंपेन लिस्ट, यहाँ पर आपको देखनी है, और जो
ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट हुआ है वो यहाँ पर है। अब अगर आपको देखना है कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन क्या है आपका, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ओवरऑल स्टेटस के अंदर। दूसरा मेथड ये है कि आप सीधे से AIS के ऊपर भी जा सकते हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं पेंडिंग, ये कह रहा है प्रोवाइड फीडबैक इन AIS। यहाँ पर AIS आपको ये खोल करके दिखा देगा, आप यहाँ पर खोलिएगा, ओके करिए, आपको यहाँ पर AIS खोल के दिख गया है। अब आपकी सारी वो चीज़ें AIS पे रिपोर्ट हो रही हैं। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, बिजनेस एक्सपेंडिचर है यहाँ पर, और इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, ये TCS के लिए रिपोर्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड या डेबिटेड में कितना रुपये दिखा रहे हैं, ताकि यहाँ पर आप जान सकते हैं कि ये परचेज का अमाउंट है और इसके ऊपर इतना TCS कलेक्ट हो गया है। आप ये मंथली देख सकते हैं, मंथली फाइलिंग जिस तरीके से हो रही है। फीडबैक में एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड पे क्लिक करेंगे, चूज फीडबैक टाइप, यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, फुली करेक्ट नहीं है, किसी और पैन की है, किसी और ईयर की है, या फिर इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है। इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। वापस हम आते हैं, ये TCS और TDS इन्फॉर्मेशन थी। SFT इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको देखने को दिख सक आपको यहाँ पर दिखेगी SFT इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। डिमांड एंड रिफंड आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर देखिए आप दिख रहा है आपको रिफंड है, असेसमेंट ईयर 22-23 का है, रिफंड है 1,090 रुपये आपको रिफंड हुए थे। आपको यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, GST का टर्नओवर भी दिखेगा, ये कैसे आ रहा है, GSTR 3B से आ रहा है, और आपको GST की परचेजेस वगैरह भी दिखेंगी यहाँ पर, कौन कौन पार्टी ने आपको परचेज आपको दे रखी है, आपने कहाँ कहाँ से सामान खरीद रखा है, वो सब दिखेगा पैन नंबर के साथ। आप TDS TCS इन्फॉर्मेशन के अंदर और भी आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जहाँ जहाँ से भी आपका TDS वगैरह कटा होगा। SFT इन्फॉर्मेशन में आपकी सारी तरीकी इनकम्स वगैरह यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएंगे जिनके ऊपर TDS कटा हुआ है। SFT के अंदर कई तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया, आपका म्यूचुअल फंड के डिविडेंड्स वगैरह हो गए, शेयर के डिविडेंड हो गए, और आपकी और अदर इन्फॉर्मेशन, कमीशन इनकम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट इनकम इन्फॉर्मेशन हो गई, सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने आज आपको बताया कि अगर आपको ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस कहाँ से देखने हैं, उसका क्या करना है, क्या रेस्पॉन्स देना है, और आपको परेशान होना है कि नहीं परेशान होना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।